Good evening, my teachers and my friend. I'm Anshuya Rani, B.Ed. first year, DAV College Education from Habor. ते आज दा मेरा विचार है गुरु तेग बहादुर जी नाल संबंध उन्हां दे जीवन सिखियावां ते विचार कुछ लाइना पेश कर दी हाँ। जेड़े तुर पाग दोबारा परेशान नहीं हुंदा, जेड़ा आराम मोह डर ते परे है, जेड़ा सोने अते समझिया जांदा है। गुरु तेग बहादुर जी दा जन्म 1621 नूं अमृतसर विखे होया सी। इन्हां दी माता नानकी जी सन। गुरु जी तेग बहादुर जी सिखां दे नवें गुरु सन। गुरु हरगोबिंद सिंह जी दे सब तो छोटे पुत्र सन। गुरु तेग बहादुर जी लगभग वीर विहारे 1664 बकाला विखे सिमरन किया। अते गुरु उत्थे अपनी पत्नी माता गुजरी अते माता नानकी जी दे नाल रहे सन। अते भारत विच कुछ सम्राट मुगल सम्राट आउण पिछों उन्हां ने अपने जीवन दी सारी ही कुर्बानियां दित्तियां सन। ते भारत विच मुगल सम्राट ने भारत नूं इक सिलमासी सम्राट विच एक मुठ करन दी कोशिश कीती सी, जो कि गुरु तेग बहादुर जी नूं कदे भी पसंद नहीं सी। ना वह हिंदुआ नूं उन्हां दे मुगल सम्राट नूं कदे भी अपने उत्ते विजय नहीं प्राप्त करना चाहते से। उन्हां दा यही आई ही सिख सी कि हिंदू कदे भी किसी की गुलामी ना करन, ते ना किसी का माड़ा चाहे ते ना करे, सारे एक मिक रहन मिल के रहन। इको ही रब दी जाति है, ना कोई दूजा ते ना कोई होर है। ते इन्हां दी संख्यावां नाल असी बहुत कुछ सीखते हाँ, ते आने वाले भी पीढ़ी सीखे ते उन्हां दी कुर्बानी अगे रखे हमेशा लई। अही अरदास है भी गुरु जी साडे नाल रहे ते सच्चे रस्ते सच्चा सब कुछ सानू देन। उन्हां दी कुर्बानियां नाल असी बहुत कुछ अपने जीवन नाल सीखे है ते सीखांगे। बस इहो मेरी चार लाइनां सी। धन्यवाद।